1950 में आज के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने हाइड्रोजन बम बनाने के आदेश दिया था। दूसरे विश्व युद्ध में ट्रूमैन के एक आदेश ने जापान के हिरोशिमा शहर को लाशों के शहर में तब्दील कर दिया था। पूरा हिरोशिमा शहर शमशान बन गया था। जहां नजर जाती थी वहां लोगों के शवों के सिवाय कुछ नजर नहीं आता था। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन से परमाणु बम गिराए जाने की अनुमति मिलने के बाद रात के बाद की पहली सुबह 2:45 पर अमेरिकी वायुसेना की तरफ से B-29 एनोला गे ने लिटिल बॉय नामक परमाणु बम के साथ जापान के हिरोशिमा की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। कहा जाता है कि लिटिल बॉय नामक परमाणु बम को जब विमान में लैस किया गया था तब इसमें बारूद नहीं था और बाद में मॉरिस जैपसन ने 4 बड़े बैग से बारूद भरकर और फिर प्लग लगाकर इस बम को सक्रिय कर दिया था। 1953 में आज ही के दिन आयरिश समुद्र में नौका दुर्घटना में कम से कम 130 यात्रियों और नाविकों की मौत हो गई थी। ब्रितानी नौका प्रिंसेस विक्टोरिया उत्तरी आयरलैंड जा रही थी तभी यह दुर्घटना घटी। घटना के बाद समुन्दर से सिर्फ 67 शव ही मिल सके। रिपोर्टों के मुताबिक 177 यात्री इस नाव में सवार थे जिनमें से मात्र 44 ही बच पाए। जांच में पाया गया कि बचाव के लिए भेजा गया जहाज HMS कॉन्टेस्ट काफी देर से पहुंचा। जांच में नाव के मालिकों को उसकी खराब बनावट के लिए जिम्मेदार पाया गया। नाव के रेडियो ऑपरेटर डेविड ब्रॉडफुट को बहादुरी के लिए मरणोपरांत जॉर्ज क्रॉस से सम्मानित किया गया। अपने आखिरी वक्त तक ब्रॉडफुट सहायता के लिए संदेश भेज रहे थे। 1958 में आज ही के दिन पृथ्वी के कक्ष में स्थापित होने वाला पहला अमेरिकी उपग्रह एक्सप्लोरर 1 अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। लेकिन रूस इससे पहले ही अंतरिक्ष की तरफ अपने कदम बढ़ा चुका था। एक्सप्लोरर 1 का प्रक्षेपण अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिकी वर्ष में भागीदारी के प्रतीक के रूप में किया गया था। इसका प्रक्षेपण फ्लोरिडा के केप कैनेवेरल से किया गया। एक्सप्लोरर 1 को जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी में तैयार किया गया था। यह पृथ्वी की कक्षा में 1970 तक रहा। इससे पहले पूर्व सोवियत संघ एक वर्ष पहले स्पुतनिक 1 और 2 को अंतरिक्ष में छोड़ चुका था। एक्सप्लोरर 1 के साथ ही अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष में दौड़ का शीत युद्ध छिड़ गया। अमेरिकी नौसेना का उपग्रह कक्षा में भेजने का वैनगार्ड TV-3 प्रयास 1957 में विफल रहा। इसके बाद सोवियत संघ के अंतरिक्ष में स्पुतनिक 1 और 2 को भेजने के बाद प्रोजेक्ट ऑर्बिटर को फिर से तवज्जो दी गई ताकि सोवियत संघ को टक्कर दी जा सके। 1975 में आज एक दिन फिल्म अभिनेत्री प्रीति जिंटा का जन्म शिमला में हुआ था। प्रीति हिंदी, तेलुगु, पंजाबी और अंग्रेजी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। मनोविज्ञान में उपाधि ग्रहण करने के बाद जिंटा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म दिलसे से की और उसी वर्ष फिल्म सोल्जर में पुनः दिखी। इन फिल्मों में अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ नई अदाकारा के पुरस्कार से नवाजा गया। फिल्म कल हो ना हो के लिए उन्हें पहली बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के खिताब से नवाजा गया। सोल्जर, क्या कहना, कल हो ना हो, कोई मिल गया, वीर जारा और कभी अलविदा ना कहना उनकी बेहतरीन फिल्में हैं। और 1996 में आज ही के दिन श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हुए एक आत्मघाती हमले में 91 लोग मारे गए थे और 1400 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। यह धमाका उस वक्त हुआ जब बारूद से भरी एक लॉरी कोलंबो के केंद्रीय बैंक से टकरा गई। अधिकारियों ने धमाकों के लिए अलगाववादी चरमपंथी संगठन तमिल टाइगर्स को जिम्मेदार ठहराया। इस धमाके के बाद भी तमिल टाइगरों ने अपनी चरमपंथी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा। उन्होंने एक भीड़ भाड़ वाली ट्रेन में एक और धमाके को अंजाम दिया जिसमें 78 लोग मारे गए थे। इन चरमपंथी घटनाओं के बाद श्रीलंका आने वाले सैलानियों की संख्या में 40% तक की कमी आई। सैलानियों की घटती संख्या को रोकने के लिए होटल मालिकों ने कीमतों में कमी की और कई 100 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया।